तो हेलो गाइज, हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल ये है छोटो। तो आज हमारे पास डिस्कवर 100M बाइक है, आप देख सकते हैं डिस्कवर 100M। तो इसका हम वायरिंग का डिटेल देने वाले हैं कि अगर प्लग वाला वायर में करंट नहीं आता है या स्टार्ट नहीं होता है तो उसे किस तरीके से गाइज हमें चेक करना है, किसी का CDI ख़राब है या बोतल कॉइल ख़राब है या इग्निशन ख़राब है या हमारा आर्मेचर कॉइल ख़राब है। तो इसमें गाइस हम कैसे जाने, अगर हमें पता रहता है तो क्या होता है, हम तुरंत चेक करते हो, तुरंत हमें पता चल जाता है कि इसका ये चीज़ ख़राब है वो चीज़ ख़राब है। और अगर हमें जानकारी नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, यहाँ से चेक करते हैं वहाँ से चेक करते हैं, हमें थोड़ा समय लगता है। तो इस तरीके से काफ़ी सारा दिक्कत होता है। तो जितने भी मैकेनिक भाई है तो उन सभी के लिए आज ये वीडियो हम लेके आए किस तरीके से आप चेक कर सकते हैं अगर इस प्लग वाला वायर में करंट नहीं आए तो। तो गाइस सबसे पहले आप इसका आर्मेचर देख सकते हैं, इसका जो आर्मेचर होता है इसमें स्टार्टिंग कॉइल होता है। अगर ये स्टार्टिंग कॉइल इसका ख़राब हो जाता है तो क्या होगा, हमारा करंट प्लग में नहीं आएगा। तो इस स्टार्टिंग कॉइल को चेक करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं इसमें बहुत सारा वायर है। तो इसमें गाइज किस वायर में हमें चेक करना चाहिए कि इसका करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो इसमें गाइज हमें दो तार को देखना है। एक तो हमारा पिकअप कॉइल को हो गया, तो इसमें हमें करंट चेक नहीं करना होता है, इसका सिर्फ हमें रैम चेक करना होता है मल्टीमीटर के जरिए से। तो चलिए अभी हम इसे फ़िलहाल मल्टीमीटर के जरिए से इसका रैम चेक करेंगे और इसका वायर कलर दिखाएंगे आपको किस कलर में आपको चेक करना है। तो यहाँ पर गाइज आप देख सकते हैं इसमें एक वाइट पे हल्का रेड जो होता है, तो इस वायर में हमें ये हमारा पिकअप कॉइल का वायर होता है। तो इसमें हमें इसका रैम चेक करना है कि इसका रैम कितना है। तो रैम चेक करने के लिए हमें यहाँ पे कंटेनर पे करना पड़ता है इसे, यहाँ पे इस जगह, और फिर हम यहाँ से एक वायर इसमें लगाएंगे और एक वायर बॉडी में लगाएंगे। तो इस वायर को हमें इस सफ़ेद वाला यहाँ से अटैच करना है और एक उधर बॉडी से कहीं अर्थ देना है। तो अर्थ देने के बाद हमें यहाँ पे देखना है इसका जो रैम है वो करीब सही से मैं दिखा रहा हूँ आपको, इसका जो रैम है वो 200 के करीब आ रहा है, 200 या 190-180 इस तरीके से हमारा रैम आना चाहिए। तो ये पिकअप कॉइल को हमें इस तरीके से ये चेक होता है। और इसी के साथ जो कभी कभी क्या होता है, पिकअप कॉइल का जो चुंबक होता है वो चीज़ हमारा काम नहीं करने लगता है, उसके ज़रिए से भी आपका स्टार्टिंग प्रॉब्लम करेगा, कभी स्टार्ट नहीं होगा, इस तरीके से दिक्कत होता है, या तो पिकअप कॉइल फूल जाता है ऊपर से। तो इस तरीके से होता है गाइज। और गाइज पिकअप कॉइल का वायर जो होता है वो रेड कलर का वायर होता है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये रेड कलर का वायर है पिकअप कॉइल का। तो इस रेड कलर को वायर को चेक करने के लिए यहाँ से एक तार को अटैच करना है और कहीं भी बॉडी से अर्थ हमें लेना है इस तरीके से, हम बता देते हैं आपको। बॉडी से मतलब टच करना, बीच वाला में लगाओ, तो इस तरीके से एक वायर को हमें अटैच करना है और उधर से किक लगा के इस तरीके से हमें देखना है करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से गाइज इस वायर को चेक करना है। तो चलिए यहाँ पे जस्ट हमारा इतना ही है, तो सिर्फ जो हम जानकारी दे रहे तो वो स्टार्टिंग से रिलेटेड, जैसे करंट नहीं आ रहा प्लग वाला वायर में तो इसके लिए सिर्फ हम जानकारी देंगे आपको किस तरीके से आप चेक करते हैं। अब इसके बाद गाइज आ जाते हैं हम CDI पे। तो CDI में आप देख सकते हैं यहाँ पर भी एक वाइट कलर का वायर है और एक रेड है और एक ब्राउन कलर का वायर है। तो इन तीन वायरों में हमारा इनपुट इसमें करंट आता है। तो इसमें एक तो रेड कलर में हमें चेक करना है, यहाँ से जो आपने देखा रेड कलर, तो वही रेड कलर में हमें यहाँ से चेक करना है बॉडी से टच करके करंट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और जो इसमें वाइट कलर है तो उसमें भी हमें मल्टीमीटर के ज़रिए से ही रैम चेक करना है, जिस तरीके से जितना रैम हमारा यहाँ आ रहा है उतना यहाँ पर भी आना चाहिए, तो इस तरीके से हमें चेक करना है। और एक ब्राउन कलर का जो वायर होता है इसमें हमारा 12 वोल्ट बैटरी का जो सप्लाई होता है वो चीज़ यहाँ पर आना चाहिए। तो स्टार्टिंग के लिए गाइज इनपुट इसमें करंट जो आता है वो इस तीन वायर में हमें चेक करना होता है। अगर तीनों वायर में सही आ रहा है और यहाँ से अगर हमारा इस बोतल कॉइल में करंट नहीं आ रहा है इस वायर में, तो आप समझे कि हमारा CDI ख़राब है। तो इसे अब गाइज बोतल कॉइल का जो वायर होता है तो वो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ब्लैक पे हल्का रेड है और दूसरा जो है वो सिर्फ ब्लैक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सिर्फ ब्लैक है ये वाला वायर है। तो इसका जो ब्लैक है वो ये वायर है।
तो इतना गाइज हमें चेक करना बहुत ही ज़रूरी होता है। और कभी कभी जो क्या होता है कि मिसिंग होने लगता है या और भी दिक्कत होता है, तो वो हमारा ये जो कंडेंसर होता है, तो ये चीज़ अगर ख़राब हो जाता है या तार कट जाता है, इसके ज़रिए से हमें करंट में उतना पावर नहीं मिलता है और हमारा गाड़ी मिसिंग करने लगता है, स्टार्टिंग प्रॉब्लम होने लगता है, इस तरीके से काफ़ी सारा दिक्कत आने लगता है। तो CDI को आप इस तरीके से चेक कर सकते हैं। इनपुट जो होता है गाइज, इन तीन वायर में हमें चेक करना है, तो एक ये दो वायर में हमें करंट चेक करना है प्रॉपर तरीके से, और एक वायर में जो पिकअप कॉइल का है, तो इसे हमें रैम चेक करना है कितना रैम आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो इस तरीके से गाइज इसका वायरिंग वर्क करता है अगर करंट नहीं आता है तो। और तो काफ़ी सारा वायर है जो कि ये सब हमारा कितना कार्बोरेटर में जाता है या और इधर उधर सप्लाई करता है। तो इस CDI को गाइज इस तरीके से चेक कर सकते हैं। तो इतने में आपको फॉल्ट पता चल जाएगा कि इसमें क्या दिक्कत है या क्या रीज़न है। तो खास करके गाइज इस बाइक में जो दिक्कत है, समस्या है, वो इसका समस्या है, इसका जो आर्मेचर स्टार्टिंग कॉइल है, यह चीज़ ख़राब है। तो यहाँ से हम जो चेक करते हैं, तो इसका करंट बाहर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले गाइज हमें इसमें यह आर्मेचर कॉइल को लगाना होगा। तो ये आर्मेचर कॉइल गाइज ये पुराना मॉडल का बाइक है, तो हमें दो तीन दिन हो गया खोजने से इधर उधर, तो हालांकि अभी तक हमें पता नहीं चला या मिला नहीं हम मुझे। तो इसके लिए हमें हम ऑर्डर दे के मंगवाएँगे, दो चार पाँच दिन दस दिन भी लग सकता है। तो इस तरीके से गाइज ये सब बाइक में दिक्कत होता है, सामान जल्दी नहीं मिलता है। तो इसका आगे गाइज सब क्लियर है, बस आर्मेचर कॉइल में ही दिक्कत है। हम इस आर्मेचर कॉइल को चेंज करेंगे और ये बाइक स्टार्ट हो जाएगा। तो चलिए गाइज वो चीज़ हम अगले वीडियो में दिखाएंगे, काफ़ी समय लगा इसका सामान आने में। तो आज के वीडियो में गाइज बस इतने ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो थैंक यू गाइज, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।